अल करीम यूनिवर्सिटी परिसर में सीमांचल के सबसे बड़े इफ्तार पार्टी का आयोजन। राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के तरफ से साल 1987 से इस तरह का इफ्तार पार्टी का आयोजन होते आ रहा है। बड़ी बात यह है कि सियासी खिंचातान के बीच सीमांचल के इस तरह इफ्तार पार्टी का आयोजन अपने आप में खास इसलिए होता है क्योंकि यहां सभी दलों के बड़े नेता से लेकर सभी धर्म सभी पद के लोग शामिल होते हैं। राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राजनीति जाति धर्म से ऊपर उठकर सीमांचल की इफ्तार पार्टी का अपने आप में एक खासियत है। हर साल की तरह इस बार भी इसका सफल आयोजन हुआ। इस बार भी खास आयोजन है, क्या पूरा इंतजाम है? देखिए, हर साल की तरह ये इफ्तार की दावत पहले कटिहार मेडिकल कॉलेज देती थी। जब से अल करीम यूनिवर्सिटी बनी, अल करीम यूनिवर्सिटी ज़ियाफ़त करती है, दावत देती है, सिर्फ कटिहार ज़िला को ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल को, और कुछ लोग और बाहर से भी आते हैं। सब लोग हर साल इंतज़ार करते हैं कि वहाँ कटिहार में अल करीम यूनिवर्सिटी का या मेडिकल कॉलेज का इफ्तार कब होगा। हमेशा इस इंतज़ार में रहते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और इस इफ्तार की खूबी यह है कि कोई मज़हब का मामला नहीं होता। हर मज़हब के लोग, आप देखिए, हर मज़हब के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, खा वो इस्लाम हो, सनातन धर्म हो यानी हिंदुइज्म हो, या जो भी धर्म हो, या क्रिश्चियनिटी हो, देखा आपने कि सिख भी कुछ नज़र आए, तो यहाँ सब लोग एक जगह जमा होते हैं। ये समरसता हम आहंगी बनती है, एक रिश्ता बनता है जो केंद्र सरकार तोड़ रही है, उसको हम लोग एकजुट करते हैं इंसानियत को। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का आयोजन हमेशा होना चाहिए ताकि एक साथ हम लोग बैठ सकें। और ये तालीमी अदारा है, इससे इलाके के लोग सीखते हैं, यहाँ के तालिब इल्म सीखते हैं, आगे चलकर वो और भी इस तरह से एक साथ सारे मजहब के लोगों से हमहंगी करेंगे, मिलना जुलना करेंगे। ये सीख है इस इलाके के लिए। और हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग इफ्तार में आए हैं या आ रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि वो आकर इस इफ्तार को अल-करीम यूनिवर्सिटी के जीनत बख्शे। और ख़ास तौर पर हम मीडिया बंधुओं से, आप सबों से कहना चाहते हैं कि आप लोगों का हमेशा सहयोग रहा है, और इस अल-करीम यूनिवर्सिटी हो या कटिहार मेडिकल कॉलेज हो या दूसरे अदारे हों, इसको आपने पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम किया है। लेकिन देखिए, मैं नहीं समझता हूं, यूँ ही कुछ लोग चर्चा करते होंगे, लेकिन हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी भी करती है, समाज के लोग भी करते हैं, हर प्रोफेशन के लोग करते हैं, और ये होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल नहीं है। और यहाँ तो आज से नहीं, जब से कॉलेज खुला 87 से, उस वक्त से ही इफ्तार का सिलसिला शुरू है। बरसात में दिक्कत होती है, इसलिए बंद हो गया था दो चार साल, लेकिन ये बहुत दिनों से चलता है। ये सियासी नहीं है, बल्कि हर मजहब के लोगों को एक जगह मिलाकर बैठाने का ये एक मौका है, इसलिए हम लोग करते हैं इफ्तार। धन्यवाद, थैंक यू।